राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र संसार क्रांति के सभी पाठकों व संसार क्रांति न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कि संसार क्रांति राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र लगातार पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, आप सब पाठकों व दर्शकों का अपार प्रेम सहयोग ही हमारी सफलता है और हमें ताकत प्रदान करता है। और इसी की तमाम जानकारी लेने के लिए सोम हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र संसार क्रांति के मुख्य संपादक धर्मवीर आर्य जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। धर्मवीर जी, बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र संसार क्रांति ने प्राप्त की है जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिसने दिन रात मेहनत करके संसार क्रांति समूह की, यदि हम बात करें पूरे समूह की बात करें जी, जिन्होंने दिन रात एक करके सभी हमारे दर्शकों व पाठकों का मन जीता है। हम अपनी जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दूसरा, कच्छ से कछार और कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसा कि आप सबको मालूम है समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है और जमीनी सत्र के मुद्दे हम उठाने का काम करते हैं। अभी हम आगामी बहुत जल्द आप लोगों के, आप सभी दर्शकों के बीच में कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं चर्चा धर्म कर्म से, तो उसमें हम प्रदेश भर की जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं की पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ समीक्षा करेंगे, उसके कारण और निवारण तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अभी जैसे मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार की, हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, तो खट्टर सरकार जो कि न केवल विपक्ष के कटघरे में है बल्कि जनता के कटघरे में भी प्रदेश सरकार खड़ी है। एससी एसटी की बात करें या कंप्यूटर टीचर की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, और भी अनेकों जो समस्याएं, प्रदर्शन, धरना, जो ये दौर है वो चल चुका है। और यदि हम बात करें राजनीतिक माहौल की, तो वो पूरी तरह से गर्मा चुका है जी। तो जिसके चलते हमें जरूरी है हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को पल पल की जानकारी हम दें, तो आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसी तरह की जानकारियां आप सभी दर्शकों व पाठकों तक लगातार देते रहेंगे। और मैं एक और खुशी की आपको बात बता दूं सभी दर्शकों को और पाठकों को कि संसार क्रांति समाचार पत्र जो आज पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, कच्छ से कछार और कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे भारत के अंदर एक ही एडिशन हमारा जाता है। और अब तक लगभग 300 क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं की हम जीवनियां प्रकाशित कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास जी, सफलता है। तो और आप भी कार्यक्रम की आगामी जो जानकारी उसके बारे में चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं। धन्यवाद धर्मवीर जी। और साफ तौर पर कहना है धर्मवीर जी, बतौर मुख्य संपादक इन्होंने समाचार पत्र के बारे में बताया, लगभग पांच वर्ष हम पूरे कर चुके हैं और समाचार पत्र में 300 क्रांतिकारियों की जीवनियां प्रकाशित कर चुके हैं। और एक और जो खास बात रहेगी, आगामी जो हमारे कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर, हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आ रहे हैं, वो जो भी ताज़ा मुद्दा होगा देश व प्रदेश का, उस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, पूरा विश्लेषण उसका करेंगे और तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण हम करेंगे। चर्चा कर्म धर्म के साथ उस कार्यक्रम का नाम रहेगा। जिस प्रकार से अभी तक आप दर्शकों का प्यार व सहयोग हमें मिला है, हमें पूरी पूरी उम्मीद है वहाँ भी हमारे को आपका उतना ही प्यार मिलेगा। और आप तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा संसार क्रांति के साथ। एक बार पुनः संसार क्रांति समूह की ओर से सभी पाठकों व दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.